हॉरर कहानियां थी। नींबू मिर्ची, भूत प्रेत डाकन चुड़ैल, इनके बारे में कौन नहीं जानता। कभी ना कभी तो हम सभी के सामने इनका जिक्र हुआ ही है, पर क्या होते हैं ये, होते भी हैं या नहीं, या ये बस दक्यानुषी बातों का हिस्सा है। इन्हें दक्यानुषी कहकर कोई नौजवान बताए गए नियमों का पालन नहीं करता, और फिर जो उनके साथ होता है वो हमेशा के लिए सब खाक कर देता है। जब किसी काले साए का जीवन में प्रवेश होता है तो क्या होता है, आइए जानते हैं। अपने घर की छत की रेलिंग पर खड़ा फटे मैले चिथड़ों में विशाल नीचे कूदने को बिल्कुल तैयार था। कुछ लोग नीचे खड़े होकर उसे रोक रहे थे तो कुछ उसके पीछे खड़े होकर उससे ना कूदने की मिन्नतें कर रहे थे। अब तो जाना होगा, कैसे कैसे नीचे गिरने से इसका सर फट कर चूर चूर हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, नीचे उतर जा बेटा। ये सब क्या हो गया तुझे, क्यों अपनी माँ को जीते जी लाश बनाने पर तुल गया है तू? गुरुजी आप कुछ कीजिए ना। ये सब क्या हो रहा था, क्यों एक जवान लड़का अपनी जान का दुश्मन बन बैठा था? आखिर वो क्या रहस्य था जिसने आज विशाल की ये हालत कर दी? ये कहानी शुरू होती है गांव सैलनगंज से, जहां विशाल अपने परिवार के साथ रहता था। विशाल का जन्म एक बहुत अलग परिस्थिति में हुआ था। आ, आ, जल्दी चलिए जी मेरा पेट। इतनी तेज बारिश और तूफान में मैं भी क्या करूं शोभा? तू घबरा मत, हम शहर पहुंच जाएंगे, बस अब थोड़ी देर और। काले बादलों ने पूरे गांव को ढका हुआ था और थोड़ी ही देर में ओलो और वज्रपात के साथ तेज बारिश होने लगी। इसी बीच रात के अंधेरे में शोभा को प्रसव पीड़ा होने लगी, वो दर्द से कराहने लगी। कोई और चारा ना होने के कारण गजेंद्र उसे बाहर रखी एक हाथ रिक्शा पर लिटाकर शहर की ओर बढ़ने लगा, पर रास्ते में मौसम और भी खराब हो गया। पास में एक खंडर है, कुछ देर वहीं इंतजार करते हैं, बारिश के धीमे होने पर वापस निकल चलेंगे। गजेंद्र और शोभा उस खंडहर में चले जाते हैं और वहीं शोभा के बच्चे का जन्म हो जाता है। सुनसान खंडहर में से किसी बच्चे की किलकारी सुनकर वहां से गुजर रहे गांव के पुरोहित बद्री जी उस खंडहर पड़ी कोठी के अंदर आते हैं। यही जगह मिली थी आपको इस बच्चे को जन्म देने के लिए? क्या पूरा गाँव कम पड़ गया था जो इस बांझ कोठी में आना पड़ गया आप लोगों को? गुरुजी, गुरुजी हम मजबूर थे, क्या करते, बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान में रहना असंभव था, पर इस खंडर में ऐसा है क्या, आखिरकार इस खंडर ने हमें सहारा दिया है। पहले सहारा देना और फिर उसे छीन लेना आदत थी इस कोठी के मालिक की। खैर, कुछ चीजों को ना जानना ही अच्छा है। जिस मुहूर्त में बच्चे ने जन्म लिया है, जब वो मुहूर्त दोबारा आएगा तो बच्चा वापस इसी जगह आना चाहेगा, लेकिन तुम्हें ये होने नहीं देना है। ये कहकर गुरु बद्री वहां से चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, नियति के अनुसार विशाल बड़ा होने लगता है। समय के साथ उसके माता पिता गुरु बद्री की कही बात को भूल जाते हैं। एक दिन, माँ माँ मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ। ध्यान से जाना बेटा। आज विशाल 16 साल का हो गया था और आज वही मुहूर्त भी था जो ठीक 16 साल पहले आज के ही दिन आया था। इन सभी बातों से अनजान विशाल अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर चाय पी रहा था। यार आज हमारे भाई का बर्थडे है, बस चाय से काम नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा चलो नथु हलवाई से समोसे और कचौड़ियाँ भी ले लेते हैं और कुछ तूफानी करते हैं। चलो जंगल के बीच उस कोठी में बैठकर मस्त मस्त गरम गरम नमकीन खाएंगे।
विशाल और उसके दोस्त जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सभी उस कोठी में चले जाते हैं, पर विशाल का ध्यान कोठी के बाहर एक चबूतरे पर रखी नींबू मिर्ची खींच लेती है। काले रंग के नींबू में कई कील चुभे हुए थे। नींबू के चारों ओर लाल सिंदूर रखा हुआ था। विशाल आगे बढ़कर उस नींबू को उठाने ही लगता है कि तभी, अरे ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? ऐसे नींबू से अक्सर या तो किसी आत्मा को रोका जा सकता है या तो फिर किसी पर काला जादू किया जाता है। इसे मत छू, देख पड़े पड़े ये काला भी हो गया है, न जाने कितनी ही सालों से ये यहाँ होगा। अरे ये ऐसा कुछ नहीं होता, रुक शायद ये नींबू है ना काले रंग का ही होगा, रुक रुक मैं देखता हूँ। जय के मना करने पर भी विशाल उस नींबू को उठा लेता है और अपने जेब से नील कटर निकाल कर उस नींबू को बीच से काट देता है। नींबू अंदर से धूत लाल था, मानो उसमें से अभी ही लाल रक्त टपक जाएगा। ये कितना अजीब है। तभी अंदर से उसके बाकी दोस्त उसे आवाज देने लगते हैं, जिस पर विशाल नींबू मिर्ची को अपनी जेब में रखकर कोठी में चला जाता है। सब खाने पीने में मगन हो जाते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। रात के वक्त, चलो विशाल खाने पर आ जाओ, आज तीनों साथ में खाना खाएंगे, आज खीर पूरी बनाई है, आखिरकार मेरे राजा बाबू का बर्थडे जो है। सभी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। खाते खाते अचानक विशाल की नज़र सामने खिड़की पर बैठे एक कौवे पर पड़ती है, जिसे देख वो खाने की मेज पर अपने दोनों हाथ और पैर की मदद से जानवर की तरह चढ़ जाता है और सीधा खिड़की पर कूदकर उस कौवे को पकड़ कर ले आता है। अब वो एक हाथ से उस कौवे को जोर से पकड़कर उसके मुंह को अपने मुंह में लेकर नोच नोच कर खाने लग जाता है। ये क्या करने लगा तू विशाल? गजेंद्र उसके हाथ से कौवे को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर अचानक ही विशाल में किसी वन मानुष की ताकत आ जाती है और वो कौवे को नहीं छोड़ता। रुक रुक तू। गजेंद्र अंदर से एक लाठी लाता है और विशाल को बहुत मारता है, पर विशाल अभी भी उस कौवे को खाता ही रहता है। एक ही पल में अचानक विशाल की आंखों में खून उतर चुका था। अब वो एक कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगा था। उस कौवे को पूरी तरह खाकर किसी से बिना कुछ कहे विशाल बाहर के आंगन के चबूतरे को अपने नाखूनों से नोचने लग जाता है, मानो वो उस चबूतरे के अंदर से कुछ निकालना चाहता हो, और अपने दांतों और नाखूनों से उस चबूतरे को नोचने लग जाता है, जिसके कारण उसके दांतों के टुकड़े मिट्टी पर गिरने लग जाते हैं। हाथों से बहता खून जमीन की मिट्टी को लहू लुहान कर देता है। ये सब देख कर शोभा लगातार चीखती ही जाती है, जी कुछ कीजिए, ऐसे तो विशाल मर जाएगा, कुछ कीजिए। तभी गजेंद्र को सालों पहले गुरुजी की कही हुई बात याद आती है। अब बद्री गुरुजी ही कुछ कर सकते हैं, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। गजेंद्र भागकर गुरुजी को लाने जाता है। शोभा की चीख सुनकर उनके घर के आसपास वाले लोग भी सब वहां इकट्ठे हो जाते हैं, पर विशाल की हालत को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसके पास जाए और उससे कुछ कह सके। इसके पहले गुरुजी वहां आते, विशाल अपने घर की छत की रेलिंग पर जाकर खड़ा हो जाता है। शोभा भी उसके पीछे पीछे छत पर भागती है। गांव वाले चादर लाकर उसके एक सिरे को पकड़कर नीचे खड़े हो जाते हैं। कुछ ही पल में गजेंद्र अपने साथ गुरुजी को लेकर वहां पहुंच जाता है। अनर्थ हो गया, अनर्थ, इस चीज का डर था मुझे। अब तो जाना ही होगा। कैसे? नीचे गिरने से इसका सर फटकर चूर चूर हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, नीचे उतर जा बेटा। ये सब क्या हो गया तुझे? क्यों अपनी माँ को जीते जी लाश बनाने पर तुल गया है तू? गुरुजी आप कुछ कीजिए ना। विशाल ऊपर से छलांग लगा देता है, पर गांव वालों की बुद्धिमत्ता के कारण वो बच जाता है और बेहोश हो जाता है। गुरुजी विशाल के शरीर को छूते हैं और उसके जेब से उस नींबू मिर्ची को बाहर निकाल लेते हैं। इस नींबू मिर्ची में चौहरा की आत्मा है। चौहरा एक गरीब किसान था, वह कोठी के मालिक वीरेंद्र प्रधान का कर्जदार था। वीरेंद्र एक चालबाज था,
चौरा के कर्ज चुकाने के बाद भी उसने जमीन वापस नहीं की और इसके साथ ही उसकी बेटी को भी उठाकर अपने घर पर ले आया। और जब चौरा ने इसका विद्रोह किया तो उसने उसे मार कर अपने घर के बाहर ही गाड़ दिया और उसकी लाश के ऊपर एक चबूतरा बना दिया। मैं आऊंगा मालिक, मैं आऊंगा और तेरा सुख चैन ले जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। चौरा की आत्मा ने वीरेंद्र प्रधान के परिवार पर अपना कहर ढा दिया और एक एक करके उसके प्रियजन मरने लगे। वीरेंद्र प्रधान ने एक सिद्ध अघोरी से उसकी आत्मा को इस नींबू मिर्ची में कैद करवा दिया। समय बीतता गया और वीरेंद्र प्रधान भी इस दुनिया से गुजर गया। कोठी खंडर हो गई और उसके आसपास का इलाका जंगल। विशाल उसी खंडर में पैदा हुआ। चौरा के हिसाब से विशाल कोई और नहीं, वीरेंद्र ही है। उस जगह से नींबू मिर्ची को उठाकर तुम्हारे बेटे ने चौरा की आत्मा को फिर से जगा दिया है, इसलिए अब वो उसे भी मारना चाहता है। इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना? कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए गुरुजी, हमें बस आपका ही सहारा है, कुछ कीजिए आप। इस नींबू मिर्ची के मसले को ही खत्म करना होगा, पर यह इतना आसान नहीं। अगर विशाल जाग गया तो इस कार्य को होने ही नहीं देगा। अब सभी लोग विशाल के हाथ पैरों को बांध देते हैं और उसके आसपास मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। वहां पुरोहित जी अपने कार्य में लग जाते हैं और अपनी पूजा शुरू कर देते हैं। अपनी शक्ति से बद्री पुरोहित जी चौहरा की आत्मा को प्रेत योनि से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं और विशाल की जान बच जाती है।